ओके सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, वीडियो का टाइटल हमने देख के आप समझ ही गए होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज़ करूँगा, सभी का लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगा, तो आप सिंपली वीडियो देखने के बाद जगह डाउनलोड कर लेना। तो चलिए गाइस, आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आप सभी को करना क्या है गाइस, आप सभी को जो इस बैकग्राउंड को है जो गाइस डाउनलोड कर लेना, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सबको दे दिया है। फिर उसके बाद गाइस, आप सभी को यहाँ से ऐड फोटो से जाकर अपने मॉडल को ले लेना है, ठीक है। एंड इसको मैं थोड़ा यहाँ पे रोटेट कर लेता हूँ। एंड रोटेट करने के बाद गाइस, आप सभी को जो अपने मॉडल को जिस टाइप से वाटर के पास, मतलब कि इस पीएनजी बैकग्राउंड में ऐसे लगा देना है। एंड उसके बाद गाइस, आप सभी को फिर अपने मॉडल को यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेना है एंड इसको सेम जगह वैसे ही रख देना है। एंड उसके बाद गाइस, आप सभी को फिर क्या करना है, आप सभी को अपने जो मॉडल का जो डुप्लीकेट किया आपको उसको लेकर चले जाना है इफेक्ट वाले ऑप्शन में। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको ले जाना है कलर्स में। कलर्स में ले जाने के बाद गाइस, आप सभी को यहाँ पे मिल जाएगा एक ब्लैक एंड व्हाइट वाला ऑप्शन, तो आपको इसमें ले जाकर इसका अमाउंट एकदम जीरो कर देना है एंड इसको ऊपर से यहाँ पे कर देना है मर्ज, ठीक है। उसके बाद गाइस, आप सबको फिर क्या करना है, आपको इसका नेगेटिव वाला ऑप्शन ले लेना है एंड यहाँ पे इसको मर्ज कर देना है एंड कलराइज में जाना है। एंड गाइस, उसके बाद आप सबको यहाँ पे येलो सॉरी डार्क ब्लू को यहाँ पे ढूंढ लेना है, ठीक है। एंड इसका डार्क ब्लू करने के बाद आप सबको यहाँ पे डन कर देना है। एंड उसके बाद गाइस, आप सबको फिर क्या करना है, आप सबको उस चांस से चले जाना है ब्लेंडिंग मोड में एंड इसको कर देना मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई करते गाइस कुछ ऐसा वाटर जैसा कुछ हो जाएगा ये। एंड उसके बाद आप सबको चाहो तो इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी कम कर सकते हो, ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है। फिर उसके बाद गाइस, आप सबको यहाँ पे डन वाला ऑप्शन में क्लिक करके डन कर देना है। एंड उसके बाद गाइस, आप सबको दोबारा ऐड फोटो में चले जाना है एंड यहाँ पे गाइस मैं आप सबको एक पीएनजी दे दूंगा, ठीक है। तो इसका क्या करना है गाइस, आप सबको इसका ब्लेंडिंग मोड में जाना है, इसको स्क्रीन कर देना है। एंड स्क्रीन करने के बाद गाइस, आप सभी को फिर कुछ इस टाइप से इसको ऐसे लगा देना है, ठीक है। एंड ऐसे लगा देने के बाद आप सबको फिर यह करना है, इसको ब्रश लेना है, इरेजर टूल में जाकर ब्रश लेना है एंड इसको यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से पेंट कर देना है, ठीक है, जिस जिस जगह पे आपको चाहिए वहाँ पे पेंट कर देना है। फिर उसके बाद गाइस, आप सबको आगे क्या करना है, आप सबको आगे मैं बताता हूँ। आप सबको गाइस यहाँ से फिर इसके बाद इसको डन कर देना है एंड इसको दोबारा ऐड फोटो में चले जाना है। सॉरी गाइस, तो ऐड फोटो में चले जाते हैं ऐसे हम। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस, आप सबको दोबारा से उसी पीएनजी को ले लेना है, ठीक है। तो इस पीएनजी को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एंड इसके बाद यहाँ पे ऐड कर देना है। एंड इसके बाद आप सबको इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करके स्क्रीन कर देना है एंड इसको गाइस, आप सबको कुछ इस टाइप से मतलब कैसे रोटेट करके आपको अपने जो शोल्डर्स हैं उनके पास कुछ इस टाइप से रख देना है, ठीक है, कुछ इस टाइप से। एंड उसके बाद आप सबको गाइस क्या करना है, आप सबको रेजर टूल में जाना है, इसको इन्वर्ट कर देना है, ब्रश को लेना है एंड उसके बाद गाइस, आप सबको कुछ इस टाइप से ऐसे पेंट कर देना है, ठीक है। एंड इसको थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ इस साइड से। एंड उसके बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे, हम इसके बाद यहाँ पे हम डन कर देंगे एंड उसके बाद हम इसका एक डुप्लीकेट करेंगे अब यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से हम डन करते हैं, यहाँ से डुप्लीकेट करते हैं एंड इसको डुप्लीकेट करके हम कुछ इस टाइप से हेयर के पास अपने यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद आप सबको फिर इसका एक और डुप्लीकेट कर लेंगे हम यहाँ पे भी एंड इसको हम ले जाएंगे इस वाले हैंड के पास, ठीक है। एंड यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे परफेक्ट है, अब यहाँ पे डन कर देते हैं। अब उसके बाद गाइस, सबसे फिर करना है, आप सबको चले जाना है दोबारा से ऐड फोटो में। एंड ऐड फोटो से जाने के बाद गाइस, सबसे विगनेट का पीएनजी मिल जाएगा एंड वैसे मेरे को लगता नहीं इसकी जरूरत है, बट आप इसको लगा लेना एंड इसको यहाँ पे हम कर देंगे डन, ठीक है। उसके बाद आप सभी को गाइस इस फोटो को अपनी सेव कर लेना है एंड इसको लेकर चले जाना है ऐसे लाइटरूम मैप के अंदर, ठीक है। तो इसको हम लाइटरूम मैप में ले जाते हैं एंड उसके बाद गाइस, सबसे फिर करना है, आपको इस लाइट वाले ऑप्शन में जाना है, इसके कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देना है एंड इसका हाईलाइट बढ़ा देना है, शेडो बढ़ा देना है एंड जो गाइस व्हाइट है इसको थोड़ा कम कर देना है एंड ब्लैक है जो गाइस इसको हल्का सा कम कर देना है। चले जाना कलर्स वाले ऑप्शन में, आपको वाइब्रेशन को बढ़ा देना है एंड इसका टेम्परेचर आपको थोड़ा सा माइनस कर देना है। चले जाना कलर मिक्स में एंड ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करके सैचुरेशन थोड़ा आगे की तरफ बढ़ा देना है, ठीक है। एंड उसके बाद इसका ल्यूमिनस बढ़ा देना है एंड उसके बाद चले जाना येलो कलर में इसका ह्यू माइनस सैचुरेशन प्लस एंड उसके बाद डार्क ब्लू में जाना है, इसका आप पानी का कलर आप चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे डार्क ब्लू कर दूंगा एंड उसके बाद सैचुरेशन थोड़ा प्लस कर दूंगा एंड इसका डन कर देंगे। एंड उसके बाद जाएंगे हम नीचे वाले टूल में, फोटो की जो क्लियरिटी हम इसको बढ़ा देंगे एंड फोटो में जो विग्नेट है वो डाल देंगे एंड उसके नीचे स्क्रॉल करेंगे हमें ग्रेन अमाउंट मिल जाएगा तो हम इसको भी बढ़ा देंगे। एंड इसको चले जाएंगे नीचे वाले टूल में, फोटो की जो शार्पनेस इसको बढ़ा देंगे एंड गाइस नो रिडक्शन हम इसको भी बढ़ा देंगे एंड जो गाइस कलर नो रिडक्शन हम इसको भी बढ़ा देंगे। तो गाइस फाइनली जो फोटो का रिजल्ट आया वो आप सभी के सामने, तो गाइस आशा करता है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए गाइस, मिलता हूं सभी से किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।